यशवंत सिन्हा के बेटे और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने खारिज किया यशवंत सिन्हा का लेख, कहा हम हासिल करेंगे नई अर्थगामी विकास और नए रोजगार। यशवंत सिन्हा के समर्थन में आए बीजेपी के दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कहा यशवंत ने जो कहा सही कहा, सरकार उठाए जरूरी कदम। शत्रुघ्न सिन्हा बोले यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री के तौर पर साबित कर चुके हैं अपनी कामयाबी, उनकी बातों को नजरअंदाज करने से होगा नुकसान। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जयंत सिन्हा के बयान पर ली चुटकी, लिखा जयंत का लेख सरकारी विज्ञप्ति जैसा, जीडीपी के गिरने की वजह भी बताएं। अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर यशवंत सिन्हा के हमले के बाद कांग्रेस के तीखे तेवर, स्वदेशी जागरण मंच ने भी उठाए सवाल। भारत की पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक आज एक साल पूरा, कश्मीर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख। सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए थे करीब 50 आतंकी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार भारतीय सेना ने खुलकर की थी घोषणा। सर्जिकल स्ट्राइक की बरसी से पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आज तक, नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार दिखी सेना। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में छुट्टी लेकर घर आए बीएसएफ जवान की हत्या, घर जाकर आतंकियों ने दी थी बाहर आने की चुनौती। आतंकियों की फायरिंग में बीएसएफ जवान रमजान पारे की मौके पर मौत, परिवार के 3 लोग जख्मी। म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, कई नागा उग्रवादी ढेर, ऑपरेशन में तबाह किए गए कैंप। असम नागालैंड बॉर्डर के पास हुआ ऑपरेशन, भारत म्यांमार बॉर्डर से करीब 10 से 15 किलोमीटर भीतर था टारगेट। कल सुबह करीब 4:45 बजे किया गया ऑपरेशन, सेना के सफाए, म्यांमार की सीमा पार करके नहीं किया गया था हमला। पूर्व रक्षा मंत्री चिदम्बरम ने सर्जिकल स्ट्राइक को अब से पहले करने की जरूरत बताया, कहा बुरे दिन आते ही सरकार करती है स्ट्राइक। तमिलनाडु सरकार कराएगी पूर्व सीएम जयललिता की मौत की जांच, रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी जांच पड़ताल। आतंकवाद को लेकर अमेरिका पर गुर्राया पाकिस्तान, कहा कुछ सालों पहले तक यूएस की डार्लिंग हुआ करते थे हक्कानी और हाफिज। आतंकी आकाओं को लेकर पाकिस्तान का नया दांव, एशिया फोरम में विदेश मंत्री ने हाफिज सईद को बताया बोझ। एक महीने और बढ़ी हाफिज सईद की नजरबंदी की म्याद, पाकिस्तान के पंजाब सरकार ने मुंबई के गुनाहगार को बताया शांति के लिए खतरा। नजरबंदी की म्याद बढ़ाने के सरकारी फैसले को हाफिज ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, इस साल 31 जनवरी से हाउस अरेस्ट है 26/11 का गुनाहगार। दिल्ली के कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक बढ़ाई शब्बीर की न्यायिक हिरासत, टेरर फंडिंग के केस में गिरफ्तार है अलगाववादी नेता। बीएचयू मामले में यूपी के सीएम को आई साजिश की बू, कहा असामाजिक तत्व खराब कर रहे हैं कैंपस का माहौल। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीएचयू के वीसी को ही ठहराया विवाद का दोषी, कहा लड़कियों से मिल लेते तो ना आती लाठीचार्ज की नौबत। कमिश्नर के रिपोर्ट में भी बीएचयू प्रशासन को ठहराया गया है कसूरवार, रिपोर्ट के बाद हुआ था चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा। बीएचयू की छात्राओं का आंदोलन जारी, कहा पुख्ता सुरक्षा इंतजामों तक जारी रहेगा आंदोलन। अरे राज सर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को चुनाव आयोग से बड़ा झटका, मधु कोड़ा पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने की पाबंदी। झारखंड में मिड डे मील के फंड के घोटाले का बड़ा मामला आया सामने, बच्चों को दिए जाने वाले मील के 100 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन कंपनी के खाते में ट्रांसफर। राम रहीम की बड़ी मुश्किलें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर विभाग और ईडी को दिया डेरा की आय की जांच के आदेश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया ट्राइब्यूनल बनाने का आदेश, राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद नुकसान का तैयार करना होगा आकलन। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने करनाल पुलिस में दी शिकायत, खुलासा करने पर धमकी भरा खत मिलने का लगाया आरोप। आखिर हनीप्रीत को याद आ गए असली पापा, दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत की याचिका में पिता के नाम की जगह अब लिखा असली पिता का नाम। इससे पहले हर कागज पर लिख देती थी गुरमीत राम रहीम का नाम, हनीप्रीत का परिवार चाहता है हनीप्रीत करे सरेंडर। हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों पर हनीप्रीत के ठिकानों पर रेड की सूचना लीक करने का आरोप, पैसे देकर सूचना लीक कराने का आरोप। हरियाणा पुलिस ने राम रहीम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के कब्जे से 25 अगस्त को एक गैरकानूनी वायरलेस सेट जब्त किया, इस सेट के जरिए कई खुफिया सूचनाएं बाबा के गुंडों तक पहुंचाई जा रही थी। 28-29 अगस्त के बीच हनीप्रीत राजस्थान के हनुमानगढ़ में अपने भाई के ससुराल में रही, लेकिन कई और ठिकानों से फरार होने में कामयाब रही हनी। इकबाल कास्कर उगाही मामले में छोटा शकील का नाम आया सामने, थाने पुलिस ने मामले में 8 लोगों समेत छोटा शकील को बनाया आरोपी। कोर्ट को गुमराह करने के मामले में सलमान खान को बड़ी राहत, बीमारी की अर्जी लगाकर शूटिंग करने का सलमान पर था आरोप।
दिल्ली के मंडावली में बुजुर्ग महिला की हत्या का केस सुलझा, बहू ने घरेलू झगड़े में दिव्यांग सास की पीटकर की हत्या। मेरठ में कोर्ट मैरिज करने पहुंचे दो संप्रदायों के प्रेमी जोड़े को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घेरा, शादी रुकवाकर किया पुलिस के हवाले। यूपी के शामली में क्लिनिक में बदमाश ने किया लूटपाट का प्रयास, डॉक्टर की सुरक्षा में लगे एक सिपाही को किया सामने। भोपाल में एटीएम पासवर्ड के जरिए 13 लाख चुराने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपियों में से एक पुलिसकर्मी। हिमाचल के चंबा में बाल आश्रम में 6 बच्चियों के यौन शोषण का मामला, पुलिस ने 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में 9 साल के अगवा बच्चे का बदमाशों ने किया कत्ल, 24 सितंबर को अगवा हुए, जीशान के लिए मांगी गई थी 5 लाख की फिरौती। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने अगवा किए बच्चे को सुरक्षित बरामद किया, खेत में छिपे रहे बदमाशों को देख किसानों ने किया पुलिस को फोन। राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने 29.5 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक कैशियर को किया गिरफ्तार, बिजली विभाग के चेक अपने खाते में भुनवाए। ग्वालियर में थाने से चंद कदम की दूरी पर हुआ अवैध देसी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई वाहनों समेत 50 लाख रुपए जब्त। थाने में बच्चों की तस्करी में शामिल गैंग का खुलासा, गैंग में शामिल 6 महिलाएं गिरफ्तार। हाथरस से दिल्ली जाने वाली कालका मेल एक्सप्रेस में यात्रियों और एएमयू के छात्रों की भिड़ंत, दोनों पक्षों को हाथरस स्टेशन पर उतारा गया। मथुरा में बदमाशों ने यमुना एक्सप्रेस वे पर जा रही बस को लूटा, एसपी देहात की अगुवाई में टीमें कर रही है बदमाशों की खोजबीन। दुर्गाष्टमी पर देश भर में सजे पंडाल, पश्चिम बंगाल के नादिया में नीले रंग का दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। पुजारियों के मुताबिक 286 साल पुरानी है नादिया में नीले रंग की दुर्गा प्रतिमा की परंपरा। दुर्गा महोत्सव के दौरान वर्धमान के रामकृष्ण परमहंस आश्रम में भी हुई सजावट, पंडाल में स्वच्छ भारत और ब्लू व्हेल गेम से बचाव का भी संदेश। कोलकाता में सेक्स वर्कर्स वीर श्रद्धा और उत्साह से दुर्गा महोत्सव में हुए शामिल। मुंबई में फिल्म एक्ट्रेस काजोल पहुंची दुर्गा पंडाल, चढ़ाया भोग। दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कंपोज किया दुर्गा आरती का 300। दिल्ली की रामलीला में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने निभाया अंगद का किरदार, बीजेपी विधायक ओपी शर्मा बने हनुमान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे मां दुर्गा के पंडाल, देश के लोगों को दी नवरात्र की शुभकामनाएं। गोरखपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ की दुर्गा पूजा, सीएम बनने के बाद पहली दुर्गा पूजा। कोलकाता के पर्यावरण बचाने का संदेश देने वाला ग्रीन पूजा पंडाल, भक्तों ने की आरती। दिल्ली के द्वारका में बच्चों की रामलीला, बच्चों ने की इंटरनेट गेम्स छोड़कर रंगमंच का आनंद लेने की अपील। दिल्ली के जामिया नगर में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए डिजिटल रामलीला देखने पहुंचा मुस्लिम समाज, रामलीला के लिए चंदा भी देते हैं मुसलमान। उज्जैन के महाकाल शिवलिंग को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, शिवलिंग को शरण से बचाने के लिए श्रद्धालुओं पर गर्भगृह में रोक की मांग। असम के चिरांग में रॉकेट जैसा बना मां दुर्गा का पंडाल, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नालंदा के कुशावा मंदिर में महिलाओं का प्रवेश बंद, नवरात्र के दिनों में आशा देवी मंदिर में नहीं मिलती महिलाओं को एंट्री। भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी ने लगाई मंदिर में झाड़ू, सफाई अभियान से जुड़ी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में काम कर रहे पत्रकारों को देखते ही गोली मारने का आदेश, वायरलेस सेट से निकले आदेश का ऑडियो हो रहा है वायरल। करनाल में खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी रहे मौजूद। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप से पहले शुरू हुआ 1 बिलियन गोल कैंपेन, केरल के सीएम पिनियारी विजयन ने किया उद्घाटन। आज बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा वनडे, लगातार 3 मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर जमा चुकी है कब्जा। वनडे में लगातार 10 जीत का रिकॉर्ड बनाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 बार दोहरा चुकी है ये कारनामा। 4 साल बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा वनडे मैच, में तूफान और बारिश से पड़ सकती है बाधा। आज अपना 100वां वनडे खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर, कहा मेरे और परिवार के लिए महान उपलब्धि। एशेज सीरीज में अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे इंग्लैंड के उपकप्तान बेन स्टॉक्स, सोमवार को नाइट क्लब में मारपीट के बाद हुई थी गिरफ्तारी।